बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप लोगों को मैं आज की इस वीडियो में ठीक तरह से आपकी जो स्लिप है, रोल नंबर स्लिप है FIE की, वो डाउनलोड करना सिखा रहा हूँ। और इसमें अगर आपको कोई मसले मसाइल दरपेश आ रहे हैं, जैसे कि रोल नंबर स्लिप या कोड वगैरह का इशू है, तो वो भी हम देखते हैं उसको कैसे ठीक करना है। या आप देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है डाउनलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप फॉर रिटन टेस्ट। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो मेन पेज यानी कि लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपने अपना डाटा देना होगा। तो ये आपके पास लॉगिन पेज म्यूचुअल यूनिवर्सिटी का ओपन हो गया। यहाँ पर आपने देना होगा अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर, ठीक है जी। और शिनाख्ती कार्ड नंबर देने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब वो आपको एक कोड भेजेगा। याद रहे, ये कोड आपको SMS के ज़रिए भी भेजा जा सकता है और आपकी ईमेल के ज़रिए भी। इसलिए मोस्टली जो है ना, ईमेल के ज़रिए कोड जो है भेज रहे हैं, इसलिए आपने अपनी वो ईमेल ओपन रखनी है जो आपने अप्लाई करते वक्त दी थी। और वो कोड इतने मिनट के बाद, यहाँ पर टाइम शो करो, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। तो आप एक नए कोड के लिए, जो एक नए पिन के लिए जो है ना, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रीसेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नई पिन आ जाएगी। और इस तरह आप जो है उस पिन को यहाँ पर पुट करेंगे। पुट करने के बाद फिर आपने आगे नेक्स्ट अपनी स्लिप की तरफ जाना होगा, जहाँ से आप अपनी स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको बताना तो ये था कि आगे आपने स्लिप को कैसे डाउनलोड करना होगा, लेकिन पता नहीं अब क्या इशू है कि मेरे पास जो है पिन कोड वेरिफिकेशन पिन नहीं आ रही। तो इस बारे में आप परेशान ना होइएगा, क्योंकि सुबह मैंने तकरीबन 6:30 बजे या 7 बजे से थोड़ा पहले मैंने ट्राई किया था, मेरे पास पिन आई थी और मैंने अपनी UDC की स्लिप भी डाउनलोड की है। अभी जो है ना स्लिप मेरे पास पिन नहीं आ रही, तो आप परेशान ना हो। जाहिर है मेरे पास नहीं आ रही, तो बहुत सारे और बच्चों के पास भी पिन नहीं आ रही होगी। तो आप इसकी ट्राई करनी है और कोशिश कीजिएगा कि लेट नाइट या अर्ली सुबह, अर्ली मॉर्निंग आप ट्राई करें, जिस वक्त वेबसाइट ज़्यादा यूज़ में ना हो, तो फिर आपके पास पिन वेरिफिकेशन आ जाएगी। और इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ, परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि कैंडिडेट नॉट फाउंड आ रहा है, तो परेशानी वाली बात नहीं है। वेबसाइट ठीक होगी तो आपको सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, तो इस बारे में भी आप रिलैक्स रहिएगा। दूसरी हम बात कर लेते हैं, क्या हम सेंटर चेंज कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब बिल्कुल ना है, हम नहीं कर सकते। जो डेट और सेंटर आपको बता दिया गया है, अब उसमें हम कोई तब्दीली नहीं कर सकते। उसी डेट को उसी वक्त हमने पहुंचना होगा, और अगर आप टेस्ट रिटर्न देना चाहते हैं तो उसी डेट को ही जाना होगा। इसके अलावा कोई आप लोगों के पास रास्ता या चारा नहीं है। ये थी आज की अपडेट। इंशाल्लाह जैसे ही मेरे पास, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो कोशिश करूँगा कि पिन वेरीफिकेशन रिसीव हो जाए, फिर मैं आपको आगे वाले स्टेप्स बताऊँ और ये भी बताऊँ कि आप अपना सेंटर बैठे बैठे अपने मोबाइल और लैपटॉप पर कैसे ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।